डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 44। तो इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि इतना इक्वल टू इतना है या नहीं है। तो ए बी इसमें और सी डी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए बी को कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके आगे करेंगे। तो यहाँ कम्प्लीट करके देखते हैं, यहाँ पे 6.7 दिया हुआ है और यहाँ पे 33.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 7 4 जा 28 हो गया, 8 2 बच गया, 6 4 जा 24 और 2 26 हो गया, और यहाँ पे 7 3 जा 21, एक क्रॉस लगा दिए, 1 2 बचा हुआ है, और 6 3 जा 18 19 20 20 हो गया। इसको ऐड करेंगे 8, और यहाँ पे 6 1 7 ये हो गया 2, और यहाँ पे 2 पॉइंट कहाँ जाएगा, 1 2 यहाँ पे, और ये तो हो गया। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पे 6 7 34 ये हो गया, तो यहाँ भी तो वही आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, 2 6 8 एक क्रॉस, और फिर वही होगा, सब कुछ सेम है तो वही होगा। यहाँ पे 2 0 1 ये मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, अब 8 7 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब पॉइंट यहाँ कहाँ, पॉइंट है यहाँ, तो दो नंबर के बाद, तो 1 2, तो ये दोनों मिल गया, तो दोनों ही इक्वल आ गया, 2.22.78 इक्वल टू 22.78। तो ये हो गया वेरीफाइड, इसको हम लिखेंगे वेरीफाइड, ये हो गया। इसी तरह से बी नंबर में भी वैसा ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेते हैं 4 39 और 56 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 6 जा 54, 4 5 बच गया, और यहाँ पे 6 3 जा 18 18 2 20 और 3 23, 2 बच गया है, और 6 4 जा 24 और 2 26 हो गया। अब एक क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे 9 5 जा 45, 4 बच गया है, और 5 3 जा 15 और 4 19, अब 1 बचा हुआ, और यहाँ पे 5 4 जा 20 और 1 21 ऐड करते हैं इसको, 4 8 हो गया, यहाँ पे 15 1 बच गया है, अब यहाँ 3 1 4 और यहाँ पे 2, तो पॉइंट कहाँ है, यहाँ है पॉइंट और यहाँ है, मतलब 4 डिजिट, 1 2 3 4 इतना इसका वैल्यू आया। अब इधर कितना आएगा, तो इसको मिटा देते हैं, अब यहाँ पे 4 3 9 और ये हो जाएगा 5 6। तो यहाँ पे जो नंबर था सेम नंबर यहाँ पे भी है, तो यहाँ जितना आया था उतना ही यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 6 2 एक क्रॉस, और यहाँ पे 5 9 1 और 2 इसको ऐड करेंगे, तो फिर उतना ही आएगा, 4 8 5 4 और 2। अब यहाँ पे देखना है कहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट है 1 2 3 और यहाँ पे 1 4 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे देखते हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ और यहाँ सेम आ जा रहा है, इसका मतलब है कि वेरीफाइड हो गया, 2.4584 इक्वल टू 2.4584, तो ये हो गया वेरीफाइड, इसको लिखते हैं वेरीफाइड, ये हो गया कंप्लीट। इसमें सी नंबर और डी नंबर भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 18 का सी और डी यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 45 और 38 का, 45 38 कितना हो गया, 8 5 जा 40 0 हो गया, 4 बच गया, 8 4 जा 32 और 4 2 और 4 6 हो गया 36, तो यहाँ पे 36 हो गया, 5 3 जा 15 1 क्रॉस लगाते हैं, 15 5 1 बचा हुआ है, तो 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, ये हो गया 0 5 6 11 1 और ये 6 और 1 7 हो गया, और ये 1 इतना आ गया। अब इसका क्या वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे 4 5
और यहाँ पे 3 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे सेम यही नंबर है तो सारा यही नंबर आ जाएगा 0 6 3, 1 crore 5 3 1, यहाँ पे 0 1 7 1, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, मतलब दो डिजिट के बाद कितना हो गया यहाँ पे दे दिए। अब फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 0 वाला नंबर है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से हम कर लेते हैं, 0 वाला मल्टीप्लाई ईजी होता है। तो यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, मतलब इसमें 2 और 0 लगा हुआ है, तो क्या होगा इसमें ये पॉइंट जो है 2 बार इधर सरकेगा, यहाँ तक आएगा 1 2, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया इतना, ये इतना यहाँ पॉइंट हो गया, तो यहाँ पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू सेम हो गया, इसके आगे 0 लगाते हैं तो वैल्यू इसका इतना ही रहेगा, तो इसका मतलब है 17 10 इक्वल टू 17 10, तो ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड ये हो गया। इस तरह से इसको लेते हैं यहाँ पे डी नंबर में 4 5, इसको पॉइंट हटा के लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको 8 रख लेते हैं 8, तो 8 5 40 हो गया, 0 4 बचा हुआ है, 8 4 32, 32 और 4 36 हो गया, तो यहाँ पे 36 पॉइंट कहाँ है, यहाँ है पॉइंट और यहाँ है पॉइंट, दो डिजिट के बाद मतलब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और एक पार्ट इसमें ये बचा हुआ है 1.4, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, कितना हो गया 0 6 4 6 4 24, तो 4 हो गया, 2 बचा हुआ है, और 4 3 12 13 14 हो गया, 14 यहाँ लिख लेते हैं, और 1 crore 1 से वही रहेगा, तो 0 6 3 कितना आ गया 0 4 10 का 0 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया इतना, तो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है यहाँ, तो 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यहाँ पे आ गया, इसका वैल्यू जो है एक साइड का इतना आ गया। दूसरा साइड में यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 45 और 8 हम लोग यूज़ किए थे, उसी तरह का नंबर यहाँ पे है, उसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे ताकि गड़बड़ी नहीं होगा, यहाँ पे 4 5 और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से नंबर यहाँ पे वैसे ही है, तो वही आएगा 0 6 3, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब 3 डिजिट बाद, मतलब ये पॉइंट यहाँ इसमें आ जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट क्या है 14, तो 14 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जिस तरह से नंबर है यहाँ भी वैसा ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 4 4 1 और 1 crore और 0 6 3, इसको करेंगे ऐड, तो यहाँ पे 0 हो गया, 4 यहाँ 10, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ओनली 3 डिजिट यहाँ पे, तो 3 डिजिट 1 2 3 यहाँ पे, तो ये हो गया और ये दोनों इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5.04, इतना भी लिख सकते हैं, इधर जो पॉइंट के बाद का इधर जो 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, हम इसको इतना लिख सकते हैं 5.04, ये हो गया वेरीफाइड, यहाँ पे लिख लेते हैं वेरीफाइड, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18।